योजना हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है क्योंकि महिलाओं के खाते में एक एक हज़ार रुपए की धनराशि सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र की गई है अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो इसके लिए आपको क्या पात्रता होनी चाहिए और इसमें आपके क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किन महिलाओं के खाते में यह पैसा भेजा गया है और इसका आवेदन आपको कैसे करना है जी हाँ मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं के खाते में एक एक हजार रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई है और यह धनराशि किस योजना के अंतर्गत ट्रांसफर की गई है और किन महिलाओं के खाते में की गई है यानी कि सत्तर लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में यह पैसा ट्रांसफर किया गया है तो हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देंगे कि किस योजना के अंतर्गत यह एक हजार रुपये चुनाव से पहले ही मोदी सरकार ने महिलाओं के खाते में डाले हैं तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत लेकिन उससे पहले अगर आपने नहीं किया है लाइक और कमेंट शेयर तो वीडियो को जरूर कर दीजिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महतारी वंदना योजना शुरू की गई है इस योजना में शामिल महिलाओं को सरकार के द्वारा आर्थिक लाभ दिया जाता है महतारी वंदना योजना के लाभार्थी महिलाओं के अकाउंट में दूसरी किस्त जारी कर दी है देखिए जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से योजना चलाई हुई है उसका नाम महतारी वंदना योजना है और इस योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त महिलाओं के खाते में जारी कर दी है और महिलाओं को हर किस्त का एक हज़ार रुपये मिलता है इस स्कीम में महिलाओं को हर महीने एक हज़ार रुपये की धनराशि मिलती है सरकार ने योजना की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी थी जिसका लाभ लगभग सत्तर लाख से ज़्यादा महिलाओं को मिला था इसके बाद महिलाओं के लिए दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है और दूसरी किस्त में भी एक एक हजार रुपये महिलाओं के खाते में डाले गए हैं महतारी वंदना योजना में वे सभी महिलाएं शामिल हैं जो विवाहित विधवा या फिर आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आती हैं इन महिलाओं को सरकार के द्वारा हर महीने एक हजार रुपये का लाभ दिया जाता है देखिए मैतारी वंदना योजना के अंतर्गत विवाहित विधवा या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी की महिला हैं वे आती हैं और सरकार के द्वारा इन महिलाओं के खाते में एक एक हज़ार रुपये की धनराशि दी जाती है योजना के लिए क्या पात्रता होनी जरूरी है केवल छत्तीसगढ़ की निवासी महिला ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं यानी कि यह जो योजना है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा चलाई हुई है विवाहित या फिर विधवा महिला आवेदन इसमें कर सकती है आवेदन की कर्ता की उम्र तेईस वर्ष से साठ वर्ष के बीच होनी चाहिए आवेदक के पारिवारिक आय दो लाख बीस हजार रुपये से कम होनी चाहिए क्या डॉक्यूमेंट आपके इसमें लगेंगे आपका आधार कार्ड राशन कार्ड पासपोर्ट साइज़ का फोटो मोबाइल नंबर और आपका इसमें ये बैंक खाता पासबुक आय प्रमाण पत्र अब आप जान लीजिए कि आप इसमें कैसे आवेदन कर सकती हैं आप अपने नज़दीक के आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत भवन वार्ड महिला एवं बाल विकास ब्लॉक में जाएं यहां अधिकारी से योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लें एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारी को भरें और अपने जो डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए हैं वे अटैच करें फार्म और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको यह फॉर्म अपने अधिकारी को देना है और अधिकारी से पर्ची लेनी है तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है क्योंकि महतारी वंदना योजना की दूसरी किस्त का एक एक हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में मोदी सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया है और अभी तक अगर आपने महतारी वंदना योजना में आवेदन नहीं किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं अगर आपकी उम्र तेईस वर्ष से ऊपर है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकती हैं और सरकार से मिलने वाली एक एक हज़ार रुपये की सहायता राशि आप ले सकती हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा